अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ और आज हम आपके लिए बना रहे हैं बीफ बिरयानी। सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे इसमें तकरीबन हाफ कप, और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ मसाले खड़े, जो कि ऐसे हैं, ज़ीरा है, तेज़पात है, दालचीनी का टुकड़ा है दो, और बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है तकरीबन 20 अदद, और इसमें है लौंग तकरीबन 8 अदद है। ये सब इसमें चला जाएगा। इसके साथ साथ हम डाल देंगे टमाटर तकरीबन 200 ग्राम, और इसी के साथ साथ हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 हरी मिर्चें लिए मैंने और इसको मोटा मोटा कूट लिया है मैंने, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम शामिल करेंगे अपने कुछ स्पाइसेस, नमक या 1/2 टेबल स्पून, गोश्त को उबालते वक्त मैंने 1/2 टेबल स्पून से भी आधा थोड़ा नमक लिया था मैंने, नमक हसबे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। कुटी मिर्च तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तमाम मसालों को हम तेज़ आंच पर अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमने गोश्त उबाल लिया है, चावलों को 20 मिनट के लिए सॉक करने के लिए रख दिया है, और मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक कतर कर उसको मैंने ब्राउन करके रख लिया है। अब इसको तेज़ आंच में हम पकाएंगे। एक खुले बर्तन में मैं पानी लिया है चावलों को उबालने के लिए, इसमें 2 तेज़पत्ते डाल रहा हूँ मैं, और बादियान का एक फूल है, और इसमें शामिल करेंगे नमक, नमक हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, जो कि हम जब चावल को निधारेंगे तो सारा पानी ड्रेन हो जाएगा नमक का। तेज़ आंच पे हम इसको जब तक पकाएंगे कि जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, फिर हम इसमें उबला हुआ गोश्त शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा भुन रहा है, देखें आप तेल ऊपर आ गया है, और टमाटर थोड़े थोड़े से अभी कच्चे बाकी हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पर गोश्त को शामिल कर देंगे, फिर बाकी जो टमाटर हैं उसमें फिर वो गल जाएंगे। चलिए इसमें गोश्त डालते हैं, जो कि हमने पहले से उबाल के रखा हुआ था, तकरीबन हड्डी वाला गोश्त है, 1/2 किलो। इसी के साथ साथ मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनको 2-2 टुकड़े कर लिया है मैंने। इसी के साथ साथ इसमें कुछ कड़ी पत्ते, अब इसके साथ हम तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको खूब तेज़ आंच पे अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर मैंने 4 टेबल स्पून भर के शामिल किए हैं। भुनाई के दौरान थोड़ा सा हरा धनिया कतरा हुआ, चावल को भीगते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम तकरीबन 3 से 4 पानियों से बार बार इसको धोएंगे, ताकि इसमें जो मिट्टी कचरा है वो सब निकल जाए इसके अंदर। पानी में उबाल आ गया है, चावलों को शामिल करेंगे इसमें, 50% इसको बॉयल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें घी या तेल शामिल करेंगे। भुनाई मुकम्मल हुई है, अब हम इसमें चावलों की लेयर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं इसका जो शोरबा है, ज़्यादा देखें पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। चावल 50% उबल चुके हैं, अब हम इसका पानी ड्रेन करते हैं। जो प्याज हमने तली थी वो फैला के लगा देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लेना है, और छोटी हरी मिर्च, एक एक के लिए कोई सा भी बिरयानी मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो, खुला हुआ हो, किसी कंपनी का हो, वो थोड़ा सा इस पे ऊपर से छिड़क देंगे हम। इमली का पानी, जो कि मैंने इमली भिगो दी थी थोड़ी सी, और वैसे तो इसमें जाता है आलू बुखारा, अगर आलू बुखारा ना हो तो आप इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालते हैं चावल, चावलों को अच्छे से फैलाकर इसमें शामिल करेंगे जर्दे का रंग, थोड़े से पानी में हल करके इस तरह से जगह जगह पर डाल देंगे इसे। और व्यूअर्स, अगर आपके पास हांडी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने घर के जो भगोने होते हैं उसमें भी पका सकते हैं। तेज़ आंच पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद बिल्कुल धीमी आँच पर इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए रख देंगे दम के लिए। Thank you.
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।